फूड फैम एंड वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ सिंपल ईटिंग। सो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ऑल द फेमस रेस्टोरेंट्स एंड कैफेज इन शिलोंग। बेसिकली हम गोना कवर द लाइमुखरा एरिया। नागा फूड के लिए बेसिकली मैं लाइमुखरा आई थी। आई ऑलरेडी न्यू कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कैफेज है, बट जब मैंने देखा कि डिस्टेंस एकदम बाजू में है, लाइक दो मिनट की दूरी में हर एक कैफेज है, तो आई थॉट व्हाई नॉट टू एक्सप्लोर देम एंड गिव यू गाइस एन इनसाइड अबाउट द सेम। ऑब्वियसली लास्ट दो वीडियो में मैंने इतना पॉर्क भी खा लिया था, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट टू एक्सप्लोर सम चिकन डिशेज एंड सम वेजिटेरियन डिशेज फॉर माई फूड फैम। सो लेट्स एक्सप्लोर लाइमुखरा फर्स्ट एंड आई होप इस ट्रैवल सीरीज की आपने सारी एपिसोड इन्जॉय की है, और आगे भी वीडियोस को एंजॉय करने के लिए मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट अबाउट माय कंटेंट। सो नाउ लेट्स गो एंड एक्सप्लोर। सो बिफोर स्टार्टिंग एंड गेटिंग इनटू द चिकन एंड वेजिटेरियन फूड, आई वांट टू गिव यू एन इनसाइड एंड ग्लिम्स ऑफ द लोकल फूड बट एट अ बेटर प्लेस। टुडेज वीडियो इज डेडिकेटेड टू ऑल माई फूड फैम जो मेरी तरह उतने एडवेंचरस नहीं है व्हेन इट कम्स टू ईटिंग लोकल फूड, but definitely would love to eat the Khasi local food again in the option of chicken or veg. So Jado is one such place in Laimukhra jahan par aap aake kha sakte ho. It's a very cozy eatery with hygiene maintained, but sadly jab main wahan gayi to try out some chicken or veg thali, it was all sold out. This is the menu I came to Jado. Abhi baj bhi gaya, 4 baj gaya, so this is the thing which is like everything is finished, I think. सो खासी फूड मैं जहाँ खाना चाहती थी जादो, वहाँ मिला नहीं, दैट्स क्लोज, मतलब दे आर फिनिश्ड विद देयर फूड। लेट मी सी इस जगह पे मुझे नागागुजी मिलता है कि नहीं। डू यू हैव दिस थाली, नागा थाली, एवरीथिंग इज अवेलेबल। थैंक यू सो मच। नाउ नागा फूड में आपको चिकन के ऑप्शंस भी मिलेंगे, वेज ऑप्शंस भी मिलेंगे। नाउ मेरा जो प्लेटर है उसमें इट्स ऑल वेज, बट उसमें मैंने जो करी लिया है विच इज़ पॉक विद बैम्बू शूट। नाउ नागा फूड कुजीन में पॉक विद बैम्बू शूट बहुत खाया जाता है एंड आई रियली वॉन्टेड टू ट्राई दिस फूड। मैं लोकल में आई हूँ और चिकन और वेज में हमेशा नॉर्मली खाती हूँ अपने शहर में, सो दूसरे शहर में आके वहाँ का खाना दैट इज सम काइंड ऑफ एक्सपीरियंस आई वॉन्टेड टू एक्सप्लोर। So the same I'm doing here. What all is this? This dry fruits, right? Mouth freshener. Yeah, kind of. So this is quite a cozy eatery where you can come and have some very delicious authentic Naga food. Also they have just few options where you can buy, like this are tea I guess, and here par this are dry fish, this is pickle, king chili pickle, mouth fresheners up here. What is this? चटनी, ब्रिंजल चटनी, चिकन ब्रिंजल, बैंगन, बैंगन, बनाना फ्लावर, ओ बनाना फ्लावर, हाँ हाँ, दैट पर्पल रेड कलर, ओके, एंड दिस इज पॉर्क विद बैम्बू शूट, वी हैव गॉट सम सैलड, दिस इज हाउ माय पॉक थाली, नागा पॉक थाली लुक्स लाइक, दिस इज सूप और यू कैन सी इट एज सैलड, इसके अंदर है कैबेज, there's carrot, yahan par we have got steamed rice, here we have got banana flour ka chutney. Now banana flour is basically jitne ko bole mocha, in bengali we call it as mocha. Here we have got one soup, aapko dikh raha hoga iske andar red chili flakes and I think there's pork fat also in it, and here I have got this pork with bamboo shoot and iske upar bahut sara red chilies dikh raha hai. This looks quite good to me. I'll start off with this salad because this looks very crunchy, very fresh. The veggies are poured into the water. I think there is some sort of salt in it and nothing else. It's tasting very fresh, very crunchy. And you know I love this kind of food. Wow. So watery. Let's try this soup. इसके अंदर जैसे कि हम लोग को दिख रहा है, this is pork fat floating. Oh, wow! Such a gingery stock, tasting very gingery, spicy. It's a salty, gingery, spicy soup. It's like the best version, the best version of momo soup. This is fabulous. Bittu bhai is gonna love it. And इसके अंदर थोड़ा सा pork meat भी mince करके दिया हुआ है. Oh my god.
चलिए अब चावल खाते हैं. लेट मी ट्राई दिस चटनी. आई विल टेक थोड़ा सब्जी. ओ वाओ, दिस इज द फैट ऑफ द पॉर्क, दिस इज द मीट, बैम्बू शूट. आई विल टेक लिटिल सैलड. ओह, वेरी स्पाइसी, वेरी स्पाइसी, बट इट्स वेरी डिलीशियस. आई कैन नेवर इमेजिन कि मोछा का इतना अच्छा चटनी बन सकता है. पॉर्क मीट का करी का बहुत स्मोकी सा एक रोमा आ रहा है, वेरी डिफरेंट. द बैम्बू शूट इज़ वेरी क्रंची एंड द सैलड इज़ गोइंग वेरी वेल विद द राइस एंड दिस करी. दिस पॉक करी इज स्पाइसी, दिस चटनी इज सुपर स्पाइसी एंड दिस इज मीडियम स्पाइसी. इट्स स्पाइस स्पाइस एंड फुल ऑफ स्पाइस एंड डिलीशियस स्पाइस. ओह माय गॉड, फैबुलस, इट्स जस्ट फैबुलस. रियली ईटिंग राइस विद ऑल दिस इज जस्ट सच अ सोलफुल फूड. फाइनली आई एम सो हैप्पी एंड सैटिस्फाइड विथ माई हर्ट एंड टमी बोथ. जो जो मेरे को खाना था, इनफैक्ट मैंने सब टिक कर लिया है. तो चलिए अब मैं आप लोगों की जगह दिखाती हूँ कि अगर आप लोग आते हो यहाँ पर तो अगर ये नहीं खाना चाहते हो तो इसके अलावा आप कहाँ जाके आप थोड़ा चिल आउट एंड मंच कर सकते हो. मैं वही सुन के आई थी कि स्ट्रॉबेरी स्मूदी मंचीज का मस्ट ट्राई है. स्ट्रॉबेरी मस्ट तो नहीं होता है, हमको बस मेनू में नहीं है. तो वो से वैलेंटाइन स्पेशल होता है. वैलेंटाइन से सिर्फ स्ट्रॉबेरी क्रीम जैसा वैसा टाइप का आता है, सिर्फ हम वैलेंटाइन से में वो सब हम लोग. तो आपका स्पेशल क्या है? स्पेशल दो आइटम बताइए जो आपका फेमस है यहाँ पर सबसे ज्यादा वो खाता है. फेमस तो बर्गर होता है. बर्गर बर्गर लेट्स सी. So the first place I have checked in is the Munchies in Limokra. Now this place is quite famous among the locals definitely, but very very famous and loved by the college students and the school students. Because pass mein hi Don Bosco school hai. So this is basically their adda point. And yahan ke bare mein maine suna hai ki they have like their strawberry smoothies. एंड मैगी एंड बर्गर्स आर वेरी फेमस. दो स्ट्रॉबेरी स्मूदी अभी अवेलेबल नहीं है, जैसे कि इधर के ओनर ने कहा कि दैट इज़ ओनली अवेलेबल ड्यूरिंग वैलेंटाइंस डे. जो स्मूदी के बारे में मैंने सुना है, हाउएवर आपको यहाँ पर मिल्क शेक्स एंड दूसरे बेवरेजेस मिल जाएंगे. द बेस्ट पार्ट मुझे इस जगह का लगता है इज़ द एम्बियंस एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर, बिकॉज ये एक तो छोटा सा वो ट्री हाउस के जैसे बनाया हुआ है. जब आप ऊपर आते हो तो वहाँ से आपको लोकेलिटी का काफ़ी अच्छा व्यू दिखता है. एज सुन एज यू एंटर लाइमुखरा, The Munchies is the first destination where you should definitely stop by and munch on something. So now let us try their special burger. Okay, sure. Achha time pe kaam kar rahe. So we have got my burger. So ye aa gaya hamare paas Munchies ka special burger, which is chicken burger. Now isme aap dekho, there's chicken patty, bacon. I love 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 bacon. There's caramelized onion, mayonnaise. Now this onion looks very tempting. Also, we have got a very beautiful looking green color lettuce. Now let's just dig in. The bun looks very good. Sesame seed, this looks so fluffy and so nice. Quite fresh. Let's eat. Wow. The bun, as I told you, dekh ke maine bol diya tha, it's very soft, very fresh. It's tasting very good. Mostly buns chewy hota hai, but is case mein nahi hai. The patty is very soft and it's tasting very creamy, just like an aloo tikki patty. However, iske andar jo chicken diya hua hai wo pura minced chicken ko pura acche se paste bana ke fir uska patty banaya hua hai. And the bacon and the green leafy lettuce is adding too much flavor and crunchiness to the taste. So aap dekho iska jo patty hai na, there is a cheese inside the patty and isko pura keema kar diya hai. लुक्स वेरी टेम्पटिंग. इस वजह से इसमें बहुत ज़्यादा फ्लेवर्स आ रहे थे एंड दिस पार्टी वॉज टेस्टिंग वेरी क्रीमी बिकॉज ऑफ द चीज इन साइड द पार्टी. सो नाउ आई हैव चेक्ड इन टू कैफे शिलोंग. नाउ दिस इज वन ऑफ द मोस्ट हैप्पीएस्ट, वाइब्रेंट, वेरी कोजी एम्बियंस लुकिंग कैफे. एंड दिस इज क्वाइट फेमस अमंग द फूडीज एंड अमंग द लोकल्स इन शिलोंग. इफ यू आर इन शिलोंग देन डेफिनेटली गिव दिस प्लेस अ विजिट. Because of a lot of recommendation, a lot of articles I have read on internet, that is the reason I chose to come to this place. Now, अभी तक मैंने बहुत सारी चीज़ें खा ली है, so I am quite full. I am not gonna eat anything out here. I have just ordered for a hot Irish coffee because I really want to relax and have a refreshing time right now here.
बट अगर आप इधर आते हो इनके पास मेनू में काफ़ी सारी चीज़ें इन फूड एंड बेवरेजेस इन फूड आई थिंक दैट स्टेक इज वेरी फेमस यू कैन ट्राई इट आउट इफ़ यू वॉन्ट टू बट अभी हम आयरिश कॉफ़ी पिए थे सो देयर्स अ व्हिप्ड क्रीम ऑन टॉप एंड आप देख सकते हो यहाँ पे ब्लैक कॉफी है लेट्स जस्ट मिक्स दिस ऑल इट्स लाइक इट्स अ क्रीमी ब्लैक कॉफी बट ब्लैक कॉफी नॉट स्ट्रॉन्ग लाइट क्रीमी ब्लैक कॉफी इट टेस्ट एग्जैक्टली लाइक दैट Quite refreshing. Literally, my legs are paining. Definitely, my stomach is not yet tired eating, but definitely my legs are. This coffee is definitely going to give me that power, fat, energy to cover more. आई होप आपको ये वीडियो अब अच्छी लग रही होगी एंड आपको भी मज़ा आ रहा है जिस तरह से मुझे ये कॉफ़ी पी के मज़ा आ रहा है With the view outside, you can see this is the road, and with such a busy route, sitting here inside the cafe, and with the beautiful music running at the back, I think it's a perfect evening to spend with your close ones up here. So now we are heading towards another cafe. Let's see अब next क्या आता है बिट्टू वरुण how are you feeling guys इतना सुबह से खा के वरुण कुछ खाया नहीं है तो वेरी गुड बोलेगा ही वो कुछ भी नहीं खाया है बिट्टू खाया है खिला के लगे खुला दी I control my diet. You don't control your diet, you just avoid. That's called controlling. He is ditching me in the entire journey. कुछ नहीं खा रहा मी प्राची and Bittu are having. Because you people are having pork everywhere. हाँ तो चिकन तो खा तो तुम चिकन ऑर्डर करके खा मेरा फूड पैक को चिकन भी मिल जाता फुंगा नहीं है फुंगा नहीं है इस ट्रिप के बाद डेफिनेटली आई एम गोइंग टू डाइट फॉर अ वीक एंड गोना डू हार्डकोर जिमिंग अभी चलिए देखते हैं नेक्स्ट कौन सा कैफे वी गोना फाइंड यू हैव दिस चिकन दानिश दिस वन नो ओके वन चिकन दानिश सो दिस इज ब्रेड कैफे आप देख सकते हैं काफ़ी इधर के सारे कैफे इज वेरी कोजी एंड वाइब्रेंट एंड एम्बिएंट कैफे है दिस क्यूट लिटिल सिटिंग एरियाज एंड बेसिकली इट्स यहाँ पर आपको पैटीज केक जस्ट लाइक आर मियोमोर एंड मोंजिनीज वैसा ही ये है ईटरी तो यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा बट यहाँ के बारे में जो मैंने सुना है दैट इज़ दैट चिकन दानिश इज़ वेरी फेमस सो दिस आर द थिंग्स यू गेट For birthday things and all. So we have got our chicken danish. Luckily एक ही बचा था अभी थोड़ी देर में फिनिश हो जाता अगर हम लोग थोड़ा लेट कर देते हैं एंड इसका नाम क्या है हाँ चौको डुओ इट्स चौको डुओ आई डोंट नो व्हाई I selected this. No, before you. Oh, good. Your choice, my choice, somewhere matches. Sadly. So now this is like chocodu, I think white chocolate and मेरे को normal chocolate दिख रहा है let's see कैसा होगा अभी ये is basically I think it's onion, capsicum and mayo salsa ये ऊपर से सॉस दिया हुआ है एंड अंदर देखते कैसा है ओके there is minced chicken filling inside and ये जो है ना this is looking like puff but this is a bread नीचे ब्रेड है अंदर चिकन का स्टफिंग है और ऊपर मेयो एंड अनियन एंड कैप्सिकम का एक फिलिंग है लेट्स टेक फ्रॉम किचन फैबुलस बेसिकली द डो इज वेरी सॉफ्ट एंड द चिकन मैरिनेशन अलॉन्ग विद द अनियन इज सच कैरमलाइज्ड इन टेस्ट बहुत सटल है बहुत अच्छा लग रहा है एंड इसको थोड़ा वार्म करके दिया तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है इट्स अ गुड टू गो स्नैक आइटम एंड दिस कैफे इज क्वाइट कोजी इसका एम्बियंस भी काफ़ी वाइब्रेंट है यू कैन डेफिनेटली कम हियर विद योर फ्रेंड्स एंड हैव अ यू नो चिट चैट एंड नाउ लेट्स ट्राई द चोको डुओ ओह इट्स बेसिकली चॉकलेट केक वनीला केक टॉप्ड विद White chocolate and normal chocolate. और इसके बाहर साइड में भी यू नो नॉर्मल चॉकलेट डस्ट किया हुआ है
it's light, a light version of sweet dessert. If you're not willing to have, you know, very heavy, very sweet delicious dessert, you can go for it. कहाँ है रे भाई? अरे 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 इधर 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 भाग इधर. स्वीट्स कैफे कहाँ पर है? स्वीट्स कैफे. Who is this dog searching for? Finally, we reached our next destination, which is Swiss Cafe. बड़ा होगा ज़्यादा. One leg, one wing. You can match it with your skin touch and color. Okay, then give me roast chicken. Okay, what? So we have come to Swiss Cafe finally. I have heard that यहाँ पर pork fried rice is also very delicious. ना pork fried rice. But because we have had a lot of pork अभी तक. So we'll not be eating pork anymore because we need his tummy to help us eat the food. So we have ordered for roast chicken. This is a very sweet little quirky kind of cafe with very sorted sitting arrangement. This is a really cozy place for you to have a cup of tea with your closed ones and some good food and make some good mood. Little love coffee. So people can come up and sit here as well. And you can get an amazing view of the road and get lost in the busiest road along with your food. Nepal's lemongrass tea, and literally I'm just feeling like drinking something hot, like kuch hot beverage hi drink karne ka man kar raha hai. Iski khushbu is very good. And aap dekho kitne pyare tarike se iske upar lemongrass jo hai wo float kar raha hai. Looks perfect. It feels like I'm gonna have an herbal tea which gonna really recover my body pain and everything. And my stomach is still not tired of eating. Lebu cha. This is tasting exactly like lebu cha. Ah, very refreshing. अब जैसे ही इसका सिप लोगे ना, यू फील दैट वार्मनेस इन टू योर इनर सिस्टम एंड द वेदर आउटसाइड इज अमेजिंग. इट्स चिली. दिस इज जस्ट गिविंग मी एन एप्ट ट्रीट. यस, इट्स माइन. सो हियर आई हैव गॉट माय ऑर्डर व्हिच इज अ रोस्टेड चिकन एंड टू पीसेस ऑफ गार्लिक ब्रेड. देन वी हैव गॉट रोस्टेड चिकन, वी हैव गॉट सम सौते वेजीज. एक्चुअली दिस आर बॉयल्ड वेजीज एंड सम मैश पोटैटो. दिस लुक्स वेरी वेरी डिलीशियस. सो देयर इज वन चिकन विंग्स. There's one chicken leg piece, one breast piece. The roast chicken is so well cooked, it's so soft, juicy. The marination has a very nice flavor to the taste, and you know, it's a little spicy. And uske saath ye jo this mashed potato is just adding a lot of flavor. The mashed potato and the veggies and the garlic bread is complementing the overall taste so very, very, very well. The mashed potato has a very well buttery texture. And I simply love boiled veggies. कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियोस में भी कहा था कि शिलोंग में 8 बजे तक सब कुछ बंद हो जाता है. सो बैड लक वॉज माइन. आई वेंट टू डायलेंस कैफे, नॉट दैट इज़ क्वाइट फार फ्रॉम लाइमुखरा. सो हाउ एवर वी रीच देयर, बट सैडली इट वॉज क्लोज. आई कुड नॉट चेक आउट दिस टाइम, बट डेफिनेटली अगर आप आते हो तो डायलेंस कैफे इज अ मस्ट 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 विजिट इन शिलोंग, बिकॉज आई थिंक इट इज द मोस्ट पॉपुलर कैफे इन शिलोंग. डायलेंस कैफे बंद हो गया. ठीक है, बैठ. तो तू एक बार कॉल ही बोलो नीतीश. दिस इज आल्सो वन ऑफ द प्लेस डायलेंस कैफे. इफ यू वांट यू कैन कम एंड कवर दिस अप. वो वहां से लास्ट में आ रहा है. ओ सब बंद, कुछ भी नहीं है. फोन नंबर इज नॉट देयर. सो मेनी ऑप्शंस टू ईट यार. कितना कुछ था यहां पर. मोमो, प्लेन सूप, चाउ सूप. And what a good rating, like the price is so, so reasonable. Thank you, I came all the way to eat. Thank you so much.
इफ यू एवर गेट अ चांस टू कम शिलोंग तो इधर डेफिनेटली आइएगा और इधर आके डेफिनेटली खाइएगा. झोल मोमो इज अमेजिंग अप हियर, अमेजिंग. आई हैड अ बैड लक बट ठीक है. 7:30 बंद हो चुका है, अभी 8:30 हो रहा है, सो इट्स ओके.